अभी हम लोग पार्ट टू में है, जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हम लोग पार्ट टू में है, जो कि मींस पार्ट टू मींस अभी हम लोग ने फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर लिया था यहाँ तक। अभी हम लोग इस पर मूव करेंगे, गैल्वेनिक सेल को कवर इधर से कवर करेंगे। उससे पहले हम लोग यहाँ पर जो कि मैंने अपना पार्ट वन में इसका कवर किया था, इसको मैं फिर एक बार अच्छे से डिटेल में बताना चाहता हूँ, जो कि जो पॉइंट्स छूट गया था उसको भी मैं इधर में कवर कर लूँगा। यहाँ पर देखिए जेड एन क्या था हम लोग यहाँ पर, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब 1.1 वोल्ट से कम यूज़ करते हैं तो क्या होगा, जेड एन इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा एंड जेड एन यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करने का क्या होगा, ये डिजॉल्व हो जाएगा, ये सोल्यूशन में डिजॉल्व हो जाएगा। मीन्स इलेक्ट्रॉन मूव लूज कर रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो क्या करेगा होगा, ये डिजॉल्व होते चला जाएगा यहाँ पर। एंड ये जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन रिसीव करने का कारण क्या होगा, ये सॉलिड का फॉर्म में होगा। क्यों होगा देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, जेड एन जब सॉलिड था, जेड एन का जो सॉलिड है रॉड, हाँ जो सॉलिड है रॉड, वो क्या होगा जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो क्या एक्वस में फॉर्म होगा, मीन्स ये इधर पर डिजॉल्व होते चला जाएगा यहाँ पर। एंड जो Cu2 पॉजिटिव है, जो ये दो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा, ये एक्वस से क्या बनेगा कि क्या बनेगा, कॉपर सॉलिड सॉलिड में फॉर्म हो जाएगा। मीन्स जब ये जो Cu का जो ये घुलनशील पदार्थ है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ के यहाँ में आएगा, जब ये Cu क्या होगा, Cu2 पॉजिटिव दो इलेक्ट्रॉन को लेगा तो क्या होगा, ये सॉलिड में फॉर्म होगा। ये एक्वस से क्या में फॉर्म हो रहा है, सॉलिड में फॉर्म हो रहा है, सॉलिड में फॉर्म हो रहा है, जो कि ये मोटा होता चला जाएगा, ये सोल्यूशन मोटा होता चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करने का कारण यही था। अब देखिए यहाँ पर जेड एन में क्या हो रहा था, जेड एन ही क्यों इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये कॉपर क्यों यूज़ नहीं करते। देखिए जब हम लोग नेचुरली मीन्स ये मीन्स अब यहाँ पर एक्सटर्नल वोल्टेज मत लगाइए, नहीं लगाने के बावजूद भी आप यहाँ क्या होता है, जेड एन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज़ करता है, जो कि कॉपर है इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज़ नहीं करता, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, जेड एन इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ देता है, यहाँ से यहाँ यहाँ तक देता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो क्या करंट प्रोड्यूस होता है, करंट भी प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेगा तो ऑब्वियसली करंट प्रोड्यूस होगा इसका ऑपोजिट डायरेक्शन पर, इधर से इधर मूव करेगा करंट। जब यहाँ जेड एन से इलेक्ट्रॉन मूव किया ना तो कितना 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 पोटेंशियल क्रिएट होगा, कितना वोल्ट का इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, कितना वोल्ट मीन्स प्रोड्यूस होगा, आप यहाँ पर देख सकते हो, कंसंट्रेशन ऑफ जेड एन सी यू आयन्स यूनिटी एंड देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड हैज़ ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू 1.1 वोल्ट। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर मूव करेगा तो उसका वोल्ट है इलेक्ट्रिक वोल्ट 1.1 वोल्ट का इलेक्ट्रिक वोल्ट प्रोड्यूस होगा जेड एन सी इलेक्ट्रॉन लूज करते वक्त, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करते वक्त। जेड एन का टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन को लूज करना, आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने लिखा है लूज इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर देख सकते हो कॉपर को नोटिस कीजिए, जेड एन को नोटिस कीजिए पहले, यहाँ पर जेड एन लूज इलेक्ट्रॉन, टू इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज करता है, बट कॉपर है जो कि Cu2 पॉजिटिव, ये कि गेन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसलिए क्या होता है, इसलिए नेचुरलिटी में देखा जाए तो जेड एन इलेक्ट्रॉन को लूज करता है आसानी से एंड ये कॉपर रिसीव करता है इलेक्ट्रॉन को। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके यहाँ से चला जाएगा तब क्या होगा 1.1 वोल्ट का इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट होता है। जब हम लोग एक्सटर्नल ऊपर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 1.1 वोल्ट से कम यूज़ करता है तो ये क्या होगा, इन्फ्लुएंस नहीं होगा इसका, ये हम लोग जो जिसने हम लोग ने जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ किया उसका कोई असर इधर पे नहीं आएगा, क्योंकि इसका ऑलरेडी 1.1 वोल्ट का इलेक्ट्रिक वोल्ट है ना, उसमें हम लोग अभी उससे भी कम वोल्ट दे रहा है तो उसका क्या इन्फ्लुएंस होगा, उसका असर होगा नहीं होगा। अभी असर कब होगा, जब हम लोग 1.1 वोल्ट जो इसका जो 1.1 वोल्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ था उससे हम लोग अपना जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उससे ज़्यादा देंगे तो क्या होगा, इसका ठीक उल्टा काम करने स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं, जब हम लोगों ने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब 1.1 वोल्ट से ज़्यादा दे दिया, जो कि इधर से निकालने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन के कारण, जो कि यहाँ से इधर से निकालने वाले इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन के कारण 1.1 वोल्ट इलेक्ट्रिक वोल्ट जो प्रोड्यूस हुआ था, अब उससे भी ज़्यादा हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देंगे प्रोवाइड कर देंगे तो क्या होगा, तो यहाँ से वो उल्टा काम करने लगेगा। ये जेड एन था, जेड एन से इलेक्ट्रॉन मूव किया था ना, तो क्या होगा यहाँ पर जेड एन में क्या होगा, अब यहाँ सी यू से इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट होगा एंड जेड एन रिसीव करेगा इलेक्ट्रॉन को। पहले तो जेड एन से इलेक्ट्रॉन मूव किया था ना, अब यहाँ क्या होगा, जेड एन से नहीं सी यू से इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर यहाँ चला जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चला जाएगा जेड एन पर, उल्टा काम हो जाएगा। ऐसा यही पॉइंट था, यही पॉइंट था जो कि मैंने को बताना था आप लोगों को। और यहाँ पर आप लोगों ने इसको समझ लिया है तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाया उसमें अच्छे से डिटेल में बताया, उसको भी एक बार आप लोग जाके देखिए एंड आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए जो कि है गैल्वेनिक सेल अरे वीडियो ना करे गैल्वेनिक सेल आप देख सकते हो गैल्वेनिक सेल
अरे।